नमस्कार दोस्तों, मुस्कान हुनर आर्ट में आपका स्वागत है। हर सुहागिन स्त्री के पास इस तरह का सिनहोरा होता है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसको किसी कपड़े में बांध के रखना चाहिए। इसके दो रीज़न हैं, एक तो ढक्कन अगर खुल जाता है तो सिंदूर गिरने का डर होता है, दूसरा ये गंदा ना हो, इस पर डस्ट है और भी तमाम गंदगी है, वो पड़ने से ये गंदा हो सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि किसी कपड़े में बांध के रखा जाए। एक कपड़ा ले के और इसकी गोलाई का नाप ले लेते हैं कि कितना गोला होगा, इसके ढक्कन को लेके इस पर रख लेते हैं और पेंसिल या पेन से निशान बना लेते हैं। इस तरह हमने निशान बना लिया, ये एक निशान बना लेते हैं और इसको फिर थोड़ा सा आधा आधा इंच छोड़ के इसको काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए गोल भाग हमने काट के निकाल लिया। अब देख लेते हैं किसकी ऊँचाई कितनी है, उस हिसाब से हम कपड़े की लंबाई लेंगे। इंच टेप से या स्केल से हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कितना हम कपड़े की लंबाई लेंगे। तो ये 7 इंच की ऊंचाई है इसकी। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, 7 इंच की ऊंचाई है, तो 7.5 इंच, आधा आधा इंच और थोड़ा कपड़ा लेके कटिंग करते हैं। और इसकी गोलाई अब देख लेते हैं, इसकी गोलाई 13 इंच आ रही है। गोलाई में जो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी 13 इंच की पड़ेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लेट्स भी पड़ेगा, इसलिए कपड़ा बढ़ा के लेते हैं हम 20 इंच लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं कपड़े की लंबाई को। दोस्तों इसकी ऊंचाई 7.5 इंच है, लेकिन हमको 8.5 इंच लेना है, क्योंकि 1-1 इंच मोड़ के ऊपर डोरी डालने वाला बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के लेते हैं, 7.5 के बजाय 8.5 इंच लेते हैं। अब ये गोल भाग को लेते हैं और इस कपड़े को पतली पतली इसी तरह चूनट या प्लेट्स डालते हुए ऐसे यहाँ पे चारों तरफ सिलाई कर देंगे, पतली पतली चूनट डालते हुए सिलाई कर देंगे। सिलाई आप सिलाई मशीन से कर दें या फिर हाथ से भी कर सकती हैं। ये देखिए ये बनके एक पाउच की तरह बनके तैयार हो गया है। ये गोल भाग में प्लेट्स डालते हुए सिलाई कर दी गई है और ये पाउच की तरह तैयार हो गया है। अब इसमें रख के देख लेते हैं कि ये कितनी इसकी कितना इसमें कपड़ा बच रहा है। अब इस कपड़े को ऐसे मोड़ मोड़ के और सिलाई कर लेंगे और इसमें फिर डोरी डाल देंगे। इसको 1-1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ के इसको पहले हाथ से अच्छे से ऐसे प्रेस कर लेते हैं और फिर इसको सिलाई कर देंगे यहाँ पे। अब इसको सिलाई कर देंगे। अब ये ऊपर की सिलाई हो गई है। आपके पास इस तरह का स्टाइलिश कोई नाड़ा हो, मार्केट में ये इस तरह का स्टाइलिश नाड़ा मिलता है, आप इसको डाल सकती हैं, या फिर आपके घर में गिफ्ट पैक होके आता है साटन रिबन, उसको भी डाला जा सकता है। ये बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों ये देखिए कवर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें सिनहोरा बिल्कुल सुरक्षित है, आप भी बनाएं, ये बहुत ही बनाना बहुत ही आसान है इसका कवर। आप भी आज ही ट्राई करें, अपने घर में बनाएं इसको। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, धन्यवाद।